तीन स्टेटों से पैदल चलकर यमुनानगर पहुंचे प्रवासी मजदूरों के लिए डेरा बना बड़ी राहत। डेरा ब्यास द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए हर बुनियादी सुविधाओं का किया जा रहा है बंदोबस्त। तीन स्टेट से आने वाले मजदूरों को हरियाणा यूपी बॉर्डर से ठीक पहले रोका जा रहा है और उन्हें बसों में भरकर यमुनानगर में सभी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरों पर छोड़ा जा रहा है। जुगादरी सत्संग भवन में लगभग 600 के करीब प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। यहाँ उनके रहने, खाने पीने व सोने का उचित बंदोबस्त तो किया ही गया है, लेकिन साथ ही उनके मेडिकल का भी बंदोबस्त किया गया है। 573 के करीब हैं, उनका सबका रहने का और खाने पीने का सब इंतजाम करे हुए, डेरे ने सब इंतजाम करे हुए, जो हमारे को डेरा ब्यास से ये संदेश दिया गया है, ये आदेश दिया गया है कि जो भी आपके पास रुक रहा है उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस बीच अभी भी भवन के अंदर बैठे मजदूर अपने घरों पर जाने की बात कह रहे हैं। कुछ मजदूर ऐसे में इनके बीच फंसे हुए हैं जिनके घर में उनके बेटे बेटी की शादी है और वे कोरोना को लेकर उन्हें रोका गया है। हालांकि यहां पर उन्हें रखा गया है, वहां कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनके घर में उनके आने से ही खुशी होनी थी वो खुशी अभी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब ये मजदूर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर उनके घर भेज दिया जाए। सर, 18 तारीख को हमारी लड़की की शादी है, आज मेरे को 7वां दिन निकले हो गए, मैं आया हूँ, मैं जा रहा था, फिर वहाँ जा करके ये कौन सा नदी बोलता है इसके नज़दीक में पहुँच गए थे, तब तक शाम में पहुँचे, वहाँ से रात को 10:30 बजे मेरे को ले आया यहाँ से। हमको किसी तरह से बारह क्रॉसिंग करा देना, शादी में लड़की के पहुँचना बहुत अनिवार्य है। जगादरी में बने डेरे पर हजारों की तादाद में मजदूर पहुंचे हैं, जिनको हर तरह की बुनियादी सुविधाएं डेरे की तरफ से मुहैया करवाई जा रही हैं।